यादगार पलों का मनमोहक साक्षी, नवयुगल की नई और पहली चॉइस, बेस्ट वेन्यू फॉर एवरी ओकेजन, डेस्टिनेशन वेडिंग, एलिगेंट डिजाइन एंड एक्सप्रेसिव डेकोर, एक्सपीरियंस विद लग्जरी, ला फ्लोरा गढ़ रोड मेरठ। मेरठ में इलेक्ट्रॉनिक सामान के शोरूम में लगी भीषण आग, देखते ही देखते आग ने किया विकराल रूप धारण। मेरठ के बच्चा पार्क पर केबीएम इलेक्ट्रॉनिक्स का मल्टी ब्रांड शोरूम है। मेरठ के मुख्य मार्केट में इस शोरूम में भीषण आग लग गई। आग लगने का कारण क्या है यह अभी किसी को नहीं पता, लेकिन आग इतनी भयावह है कि लोग रुक रुक कर देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण शोरूम में आग लग गई, जिसके बाद एकदम से आग भड़क गई। शोरूम के अंदर कुछ कर्मचारियों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। बिल्डिंग से निकलता धुएं का गुब्बार लोगों को विचलित कर रहा है, वहीं आग की हालातों को भी बयां कर रहा है। आनन फानन में दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची, दर्जन भर से भी ज्यादा दमकल कर्मी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। सेकंड फ्लोर का शीशा तोड़कर लगातार अग्निशमन यंत्रों से पानी डाला जा रहा है। वहीं आसपास की बिल्डिंग में भी आग फैलने की आशंका को जताते हुए उन्हें खाली करा लिया गया। अब तक लाखों का माल शोरूम में जलकर राख हो गया, जिसके बाद अभी भी आग बुझने का नाम नहीं ले रही। मौके पर मौजूद एएसपी चंद्रकांत मीणा ने यह जानकारी दी। पहले फ्लोर पे आग लगी है और समय से जो है यहाँ पहुँच गई है, फायर टेंडर पहुँच गया, 4 फायर टेंडर लगे हुए अभी भी, लेकिन अभी फायर जो काबू में नहीं आई है, पूरा प्रयास कर रहे हैं हम जिससे कम से कम ये जो साइड वाली बिल्डिंग है उसमें आग ना पहुँच पाए। कोई ऐसी कैजुअल्टी नहीं हुई है, लेकिन सामान के बारे में बता रहे हैं काफी नुकसान हुआ है। बिल्कुल बढ़िया। इस खबर में अभी के लिए इतना ही, बने रहिए फर्स्ट बाइट टीवी के साथ। नमस्कार।